इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मुस्लिम पक्ष गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया। हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था, पहले इनको हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। वही सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मुस्लिम पक्ष गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट गया। हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था, पहले इनको हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। वही सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।